नमस्कार, आज हम क्लास सिक्स साइंस के सिक्स चैप्टर हमारे चारों ओर के परिवर्तन में टॉपिक है गर्म करने पर धातुओं में प्रसार होता है। इसके ऊपर एक्टिविटी करके देखेंगे कि क्या सच में गर्म करने पर धातुओं में प्रसार होता है। इसके लिए मैंने एक उपकरण लिया है जिसे कहते हैं रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स। इसमें एक रिंग है ये और ये है एक धातु की बनी हुई बॉल, इसीलिए इसे रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स कहते हैं। ये जो धातु की बनी हुई बॉल है वो इस रिंग में से आसानी से गुजर जाती है। देखिए, ये देखिए गुजर रही है आसानी से, ये देखिए गुजर रही है। अब हम इस रिंग बॉल को गर्म करेंगे और गर्म करने पर क्या वो इस रिंग में से गुजरेगी, इस चीज को देखेंगे। अगर प्रसार होता है तो वो इस रिंग में से नहीं गुजरेगी। ये मोमबत्ती हम जलाएंगे। अब इस मोमबत्ती पे हम इस बॉल को गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, धातु की बनी हुई बॉल है, धातु में प्रसार होगा यानी धातु फैलेगी, तो बॉल जो है इसमें भी प्रसार होगा। और प्रसार होगा तो क्या ये इस रिंग में से गुजरेगी, प्रसार होने के बाद इस रिंग में से नहीं गुजरेगी। ये चीज हम देखेंगे कि क्या वास्तव में गुजरती है या नहीं गुजरती। ये हमने इसको गर्म कर लिया, अब हम इसको इस रिंग में डाल के देखते हैं कि क्या अब ये इस रिंग में से गुजरती है। ये देखिए, ये अब इस रिंग में से नहीं गुजर रही। इसका कारण क्या है कि गर्म करने से इस धातु की बॉल में प्रसार हो गया। अब हम देखते हैं वापस से इसको ठंडी करते हैं तो ठंडी करने पर ये वापस अपने पहले वाले रूप में आ जाएगी। तो इसके लिए मैंने पानी में इसको डाल दिया, कुछ देर इसको पानी में रखेंगे तो ये ठंडी हो जाएगी यानी अपने वापस पहले वाली अवस्था में आ जाएगी। तो यहां पर हमने एक चीज और साथ में सीख ली कि ये किस प्रकार का परिवर्तन है, जिस परिवर्तन को वापस पलटा जा सके उन्हें क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ये एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है यानी बॉल गर्म करने पर प्रसारित हुई और ठंडी करने पर वापस अपनी पहले वाली शेप में आ गई, वापस अपनी पहले वाली अवस्था में आ गई। इसलिए ये किस प्रकार का परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब ये बॉल ठंडी हो गई है, अब इस बॉल को हम फिर से इस रिंग में से डाल के देखेंगे। तो ये देखिए रिंग, इस रिंग में से बॉल जो है गुजर रही है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गर्म करने पर धातुओं में प्रसार होता है। इसीलिए जो धातु के बने औजार होते हैं उन पर लकड़ी के हैंडल चढ़ाने से पहले उन्हें गर्म किया जाता है। जैसे कस्सी खुरपी वगैरह है तो उन पर लकड़ी के हैंडल चढ़ाने से पहले उन्हें गर्म किया जाता है, जिससे उनके अंदर जो छेद बने होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे उन पर हैंडल आसानी से चढ़ जाता है और बाद में ठंडा होने पर वो हैंडल कस जाता है। धन्यवाद।